हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग की कुछ और ट्रांजैक्शन देखेंगे। फर्स्ट है, ऑन 31 मई 2013 गुड्स अन इंश्योर्ड वर्थ ₹3,000 वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो गुड्स इंश्योरेंस नहीं किए हुए थे, ₹3,000 के गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि जल गए हैं। तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर पास आउट करेंगे कि हमारा जो लॉस हुआ है, यानी कि फायर से हमारे गुड्स गए हैं, तो हमने उसका पर्टिकुलर वर्ड से मेंशन किया है, लॉस बाय फायर अकाउंट। गुड्स जो अनइंश्योर्ड थे, यानी कि लॉस हुए, लॉस बाय फायर अकाउंट को हमने डेबिट साइड किया है। और किस कारण थ्रू वो गुड्स गए हैं? फायर के थ्रू। फायर के थ्रू हमारा लॉस हुआ है, तो हमने उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड बनाया है, टू गुड्स गॉन बाय फायर अकाउंट, यानी कि वन टाइप ऑफ हमारा लॉस और जिसके कारण से गुड्स हमारे पास से गए हैं। तो हमने गुड्स गॉन बाय फायर अकाउंट को क्रेडिट साइड में रखा है, तो इसकी एंट्री पास हो गई, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स गॉन बाय फायर अकाउंट क्रेडिट ₹3,000। इस तरह से हम अनइंश्योर्ड गुड्स की एंट्री पास आउट कर सकते हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन पास आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हो, हमने लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट इसलिए रखा है क्योंकि एज़ पर नॉमिनल रूल एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है और टू प्रॉफिट एंड गेन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो लॉस बाय फायर हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो जाता है, तो हमने उसे डेबिट में रखा है। नेक्स्ट एंट्री, ऑन 1 जून 2013 सैलरी फॉर द मंथ मे रिमेन अनपेड ₹9,000, यानी मई मंथ की 9,000 सैलरी जो पे करनी थी लेकिन हमने किसी रीज़न थ्रू वो पे नहीं किए, यानी कि पेंडिंग है, पे करनी पेंडिंग रह गई है, तो हमें उसकी ट्रांजेक्शन पास आउट करनी है। तो उसके लिए, यानी कि रिमेन सैलरी के लिए, पेमेंट रिमेन के लिए हमारे पास पर्टिकुलर वर्ड है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग। तो हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन पास आउट करनी रहेगी कि सैलरी अकाउंट डेबिट, जो एक्सपेंस है, यानी कि एज पर नॉमिनल रूल एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी हमारी एक्सपेंस हो जाती है सैलरी, तो हमने सैलरीज अकाउंट को डेबिट में रखा है, टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग, यानी जो पे करनी थी नहीं की है, यानी कि पे करने की बाकी है, तो उसके लिए हमने आउटस्टैंडिंग सैलरीज के अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो इस तरह से हम इसकी ट्रांजेक्शन पास आउट कर सकते हैं, सैलरीज अकाउंट डेबिट 9,000 टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट 9,000। इस तरह से हम अनपेड सैलरी, यानी आउटस्टैंडिंग पेंडिंग सैलरी को ट्रांजेक्शन इस तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ किया है। ये तो हो गया कि पिछले महीने की बाकी थी और उसके लिए हमें आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ करना पड़ा। अगर हमें पहले इन फ्यूचर की सैलरी पहले से पे करनी है, तो हम उसके लिए भी वर्ड आगे के ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ऑन 3 जून 2013 प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹30,000। यहाँ पर बताया गया है कि 3 जून को फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन 5% लगाया गया है। अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट्स या फर्नीचर परचेज करते हैं, तो हमें उस पर डेप्रिसिएशन लगाना रहता है। डेप्रिसिएशन यानी कि घिसावट। जैसे जैसे फर्नीचर हमने परचेस किया है, उसका टाइम जाता है, यानी कि जैसे जैसे टाइम होता जाता है, उसके ऊपर घिसावट लगती है। डेप्रिसिएशन यानी घिसावट होता है, तो उस पर घिसावट लगती रहती है, तो हर साल हमें उसका कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज डेप्रिसिएशन लगाना रहता है। जैसे यहाँ पे हमने फर्नीचर जो 30,000 की कॉस्टिंग की थी, उस पर 5% डेप्रिसिएशन लगाया है। तो डेप्रिसिएशन हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो जाता है, एज पर नॉमिनल रूल एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ पर आपको दिया है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने डेबिट साइड में लिखा है। आप देख सकते हो, हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट रखा है। और किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है? फर्नीचर के ऊपर। तो हमने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट साइड में रखा है। आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट साइड में मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है कि अमाउंट, हमें किस अमाउंट पे कैलकुलेशन करना है। जो टोटल अमाउंट होती है एसेट की, यानी कि यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दी गई है 30,000, उस पर हमें 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, यानी कि उसका 5% हो जाता है 1,500। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 1,500। नेक्स्ट है, ऑन 6 जून 2013 पेड
फॉर रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर ₹300 एंड कैश, यानी फर्नीचर का रिपेयरिंग करने के लिए हमने 300 कैश में पेमेंट किया है। तो हमने यहाँ पर रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर अकाउंट को डेबिट साइड में रखा है और इन कैश में पेमेंट किया है तो हमने टू कैश को क्रेडिट साइड में रखा है ₹300। तो इस तरह से हमने उसकी ट्रांजेक्शन पास आउट की है, रिपेयर्स फर्नीचर अकाउंट डेबिट 300 टू कैश अकाउंट 300, क्योंकि रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो जाता है, तो एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड में मेंशन करते हैं। थैंक यू।